शहर तो हो गए बड़े, घर हो गए छोटे, क्या आपको पता है बाथरूम उससे भी छोटे। हाय, माय नेम इज शशांक जैन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वुडूफा। आज मैं आपको बाथरूम को लग्जरियस कैसे बनाएं, खासकर छोटे बाथरूम को बिगर कैसा फील दें और लग्जरी उसके अंदर और कैसे डालें, मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक कर लीजिए, आपको बहुत सारे टिप्स ट्रिक्स ऑफ होम इंटीरियर्स और इंटीरियर्स ऑफ योर होम और ऑफिस मिलते रहेंगे। आइए देखते हैं क्या कुछ है इस वीडियो में आपके लिए। द फर्स्ट टिप फॉर टुडे इज कीप योर कलर्स लाइट एंड वार्म। आप अगर छोटा बाथरूम है आपके पास और आप उधर ना बहुत सारे डार्क कलर्स यूज़ नहीं कर सकते, आप उसके लिए लाइट कलर्स या वार्म कलर्स या ब्राइट कलर्स यूज़ करिए, जिससे कि वो बाथरूम थोड़ा बड़ा बड़ा लगे। मैं अक्सर बोलता हूँ जब बड़ा बाथरूम हो तो डेफिनेटली डार्क कलर्स यूज़ करने हैं थोड़ा लग्जरी फील देने के लिए, बट अगर छोटा बाथरूम है जिसका साइज़ कम है तो आप वहाँ पर लाइट और ब्राइट कलर्स अगर यूज़ करेंगे तो वो और बड़ा दिखेगा। द सेकेंड टिप इज़ मिरर्स 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 मिरर्स। तो बहुत सारे मिरर्स, अगर आप के पास छोटा बाथरूम है और आप उसको लग्जरी या बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप एक काम करिए, या तो वॉश बेसिन जो होता है उसके ऊपर एक बड़ा सा मिरर लगा लीजिए, या मे बी सीट के ऊपर भी मिरर लगा सकते हैं, मे बी एक वॉल को कंप्लीट मिरर भी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है उस वॉल पर बहुत एक्सपेंसिव टाइल लगाना या मार्बल लगाना, आप उस पर पूरी वॉल को मे बी 4 फीट बाय 6 फीट 4 फीट बाय 7 फीट पर पूरा का पूरा मिरर लगा सकते हैं, या फिर वॉश बेसिन के ऊपर एक बड़ा मिरर, एक लॉन्ग मिरर लगा सकते हैं। एक मिरर से क्या होगा, अगर हो तो 3 या 4 या 5 मिरर्स भी लगा सकते हो। आई वाज जस्ट किडिंग, नहीं, 2 या 3 मिरर्स भी आप लगा सकते हो अपने बाथरूम के अंदर। कई बार उसको डेकोरेटिव मिरर्स भी बोला जाता है, ज़रूरी नहीं है रेक्टेंगुलर या स्क्वायर मिरर हो, मे बी ओवल शेप, कोई और ज्योमेट्रिकल शेप या मे बी ट्रेपेजियम शेप, आप किसी भी तरीके का मिरर लगा सकते हैं अपने बाथरूम में जस्ट टू गिव अ गुड फील। और अगर उसे बैकलाइट करना चाहें तो और भी अच्छा है, पीछे से अगर आप उसे बैकलाइट कर देंगे और उसमें से अगर लाइट आएगी तो वो और भी सुंदर लिखेगा। शावर क्यूबिकल, ये मेरी चौथी टिप है। आप सब लोगों को पता है कि शावर क्यूबिकल चाहिए, एक ग्लास का पार्टीशन चाहिए, ग्लास का पैटर्न चाहिए। अगर छोटा बाथरूम है तो आप उस मत को बिल्कुल भी मत लीजिए, क्योंकि अगर आप छोटे बाथरूम में ग्लास का क्यूबिकल या ग्लास का मिरर लगा देंगे या मे बी एक बॉक्सिंग कर देंगे तो वो और छोटा लगने लगेगा। अगर आपको दिक्कत है, पहली बात तो उसको हटा दीजिए, फिर भी अगर लगता है कि नहीं मुझे पानी स्प्लैश होने से बचाना है तो मे बी एक शार कर्टेन लगा लीजिए, उससे कम से कम बाथरूम तो बड़ा दिखेगा। छोटे बाथरूम में मैं अक्सर टिप देता हूँ कि बिल्कुल भी ग्लास पार्टीशन का यूज़ मत करिए। स्लाइडिंग डोर, सो एंट्री पे कई बार मैंने देखा है कि जब बाथरूम का दरवाज़ा बाथरूम के अंदर खुलता है तो बिल्कुल भी जगह नहीं मिलती, या फिर कई बार उस बाथरूम को डिज़ाइन करने में बहुत दिक्कत होती है, तो आप क्या कर सकते हो, मे बी एक स्लाइडिंग डोर लगा लीजिए जो आपके बेडरूम में या आपके कॉमन एरिया में खुल जाए। उससे क्या होगा कि अंदर की जो स्पेस है वो और एक्स्ट्रा मिल जाएगी, और एक छोटे बाथरूम में मल्टीपल एलिमेंट्स को लगा पाओगे, चाहे आपको वैनिटी लगानी है, WC लगाना है, या मे बी एक बेथिंग एरिया बनाना है, तो आप उस सब चीज़ों को प्लान कर सकते हो। छोटे बाथरूम में भी अगर आपका एक डोर स्लाइडिंग हो जाए या मे बी डोर बाहर खुल जाए, जनरली बाहर नहीं खुल पाता, स्लाइडिंग डोर ले लोगे तो बहुत अच्छा है, स्लाइड करा दीजिए, उससे काफ़ी स्पेस बच जाएगी। सो दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट, ये मेरी सातवीं टिप है, सातवीं टिप है विच इज़ यूज़ बिगर टाइल्स। आज टाइल की इंडस्ट्री हैज़ इवॉल्व अ लॉट, तो बहुत अच्छी अच्छी बड़े बड़े साइज़ की टाइल्स आने लगी हैं। पहले एक टाइम पे सिर्फ 12x12 या 6x12 या 12x18 इंच की टाइल आया करती थी, आज 2x4 फुट 32 इंची बाई 64 इंची एंड सो मेनी टाइल्स आर देयर। मैंने कुछ वीडियोज़ बनाए हैं टाइल्स के ऊपर भी, तो आप ज़रूर देखिएगा, आपको पता लग जाएगा टाइल के साइज़ के बारे में। हो सके तो बड़ी टाइल्स को यूज़ करें अपने बाथरूम में, चाहे वो 2x4 हो या 32x64 हो, 32 इंचेस बाई 64 इंचेस, या कोई और बड़ा। उससे क्या होगा, एक सीमलेस इफेक्ट लगता है और बाथरूम और बड़ा लगता है, जॉइंट्स कम से कम दिखते हैं, फिनिशेस खराब कम से कम होती हैं, एंड बाथरूम बड़ा ज़्यादा लगता है। तो ये लग्जरी का बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, बड़ी टाइल्स को यूज़ करना। दिस इज माई 8th टिप फॉर टुडे विच इज़ यूज़ अ पैटर्न फ्लोर। मतलब कई बार क्या होता है कि हम लोग बेसिक प्लेन टाइल्स यूज़ कर लेते हैं, अगर आपने थोड़ा पैटर्न डाल दिया, मोज़ेक का पैटर्न डाला या क्रिस क्रॉस पैटर्न्स डाल दिए या वुडन लुक का पैटर्न डाल दिया बाथरूम के अंदर, तो वो भी परसीव आपको बड़ा ही करेगा। तो ऊपर लाइट टाइल्स यूज़ कर लीजिए, नीचे में भी फ्लोरिंग पे मैट टाइल्स यूज़ करना ज़रूर से, और उसे थोड़ा सा पैटर्न टाइप लगा लो तो और बड़ा बाथरूम की फील आने लगेगी।
स्टोरेज तो हमें बहुत पसंद है, वी आर इंडियंस एंड वी लाइक टू मच ऑफ स्टोरेज, राइट? तो कई बार छोटे बाथरूम्स में उतनी जगह नहीं होती स्टोरेज की, तो मैं दो तीन ऑप्शन सजेस्ट करता हूँ. मे बी यूज़ अ शार लेज, कि हमें कहीं पे अगर एक फट्टा लगा दें या एक पैटर्न लेज लगा दें, जैसा आप पिक्चर्स में देख रहे हो, उससे क्या होएगा कि आपको सामान रखने की जगह बहुत सारी मिल जाएगी, तो अलग से स्टोरेज नहीं बनाना पड़ेगा. आप बैथिंग एरिया में जो शावर एरिया होता है उसके अंदर नीच भी बना सकते हैं. अगर आपकी दीवार में जगह है और आपको लगता है कि मैं उसकी नीच बना लूँ, तो आपके शैम्पूज़, आपके सोप्स, आपकी चीज़ें रखने के लिए एक शावर नीच भी बनाई जा सकती है. बट एक चीज़ का बहुत ज़रूर ध्यान रखना है उसके अंदर, इज़ द फिनिश. शावर नीच तो लोग बना लेते हैं पर उसकी फिनिशिंग उतनी अच्छी नहीं कर पाते. यू नीड टू हैव द राइट टाइल गाय, जो एक टाइल का अच्छा कारीगर हो, उसी को यूज़ करें और उसी से टावर नीच या जो भी शावर में नीच चाहिए वही बनवाएं. माई 10th टिप फॉर टुडे इज यूज़ कॉम्पैक्ट सैनिटरी वेयर. तो कई बार क्या होता है, वॉश बेसिन बहुत बड़ा यूज़ कर लेते हैं, हमें फैंसी होती है बड़े वॉश बेसिन की, पर ये नहीं सोचते कि हमारे बाथरूम में जगह भी है कि नहीं. तो छोटे से छोटा सैनिटरी, चाहे वो सीट है, WC है, या मे बी वॉश बेसिन है, या कोई और एलिमेंट भी है, तो आप छोटे से छोटे साइज़ में उसे यूज़ करने की कोशिश करिए. जितनी खुला एरिया आपको दिखेगा अंदर, उतना ही बाथरूम बड़ा और लग्जरी दिखेगा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, मैं बोलता हूँ, जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, कि बड़े बाथरूम की फील देनी है तो छोटे से छोटा सैनिटरी का सामान यूज़ करना शुरू करना होगा. लाइट, ये 11th टिप है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ज़रूर से फॉलो करो अगर आप कर पाओ. तो अगर आपके बाथरूम में नेचुरल लाइट जितनी ज़्यादा होगी उतना ही बाथरूम बड़ा बड़ा दिखेगा. हो सकता हो तो एक बड़ी विंडो बना लीजिए. लोग अक्सर छोटी विंडोज़ बनाते हैं बाथरूम में, मुझे समझ नहीं आता क्यों. अगर आप बड़ी विंडोज़ बनाएं, एक तो लाइट बहुत अच्छी मिलेगी, दूसरा कि आपको ओवरऑल बाथरूम की फील बहुत बड़ी बड़ी लगने लगेगी. तो ट्राई टू हैव अ बिगर विंडो, मे बी अ गुड पिक्चर विंडो और मे बी अ गुड साइज विंडो जो आप अपने बाथरूम में बना पाओ तो बहुत अच्छा रहेगा. माई 12th टिप इज यूज़ अ वॉल माउंटेड फॉसेट. तो होता क्या है कि हम जब वॉश बेसिन यूज़ करते हैं, या तो टेबल माउंटेड फॉसेट यूज़ करते हैं या वॉल माउंटेड फॉसेट यूज़ करते हैं. अगर आप वॉल माउंटेड फॉसेट यूज़ करेंगे तो आपका जो काउंटर का स्पेस है वो बढ़ जाएगा और उसकी वजह से आपको बाथरूम थोड़ा खुला खुला, क्लीन, साफ़ सुथरा दिखेगा. क्योंकि जनरली क्या होता है, काउंटर पर अपन सारा सामान रख लेते हैं और होता क्या है कि काउंटर बहुत छोटा 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 होने लगता है, जिसकी वजह से बाथरूम बहुत छोटा छोटा फील देने लगता है. अब मैं लास्ट टिप देने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा. राउंडिंग ईयर कैबिनेट्स, अगर आपके पास जगह है, मतलब बहुत कम है और आपको उतनी जगह नहीं मिल पा रही है, तो जो आपकी वैनिटी कैबिनेट्स हैं, जो उनको जितना राउंड कर पाएँ, मे बी कोई एजेस हैं उनको राउंड कर दीजिए. बिकॉज जितना आप रेक्टेंगुलर स्क्वायर उन्हें रखेंगे उतनी वो जगह ज़्यादा लेगा. मे बी कहीं पर जगह नहीं है तो थोड़ा सा टेपर कर दीजिए, थोड़ा सा राउंड कर दीजिए लेफ्ट साइड पर या राइट साइड पर, एंड वो थोड़ा आपको फील अच्छा देने लगेगा. मेरे सारे टिप्स यहाँ ख़त्म हो गए हैं और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिए, शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, जिससे ज़्यादा उन्हें बेनिफिट हो पाए. जो भी घर का इंटीरियर या डिज़ाइन करने वाला है या करने लगा है, प्लीज़ स्प्रेड दिस वीडियो एंड चैनल एंड विल बी हैप्पी टू हियर योर कमेंट्स एंड फीडबैक. थैंक यू.